Hello students, so today I am going to teach about the session 7, sentence formation 1, unit 1st, okay. So in this session, learning object, the verb to be, okay, to be. The verb to be, okay. So let's start. बेटा टू बी वर्ब है. इस चैप्टर में हम टू बी के बारे में पढ़ेंगे कि टू बी का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, टू बी क्या है. ओके बेटा, टू बी वर्ब जो है वो देखिए आपका इस फिगर में शो कर रहा है कि यहाँ पे जैसे आर इज आर एम, ओके ए इज आर एम, ओके ये जो है आपका टू बी वर्ब है. ओके इनसे ही हम टू बी बोलते हैं. ओके लाइक दिस एग्जांपल, ही इज़ अ डॉक्टर, इज का यूज़ हुआ. एंड यू आर हैप्पी, यू प्लूरल है. ओके यू नो कि आर का यूज़ हम किस किस नाउन के साथ करते हैं और इसका किसके साथ करते हैं, एम का किसके साथ करते हैं आप जानते हो, बट मैं एक बार रिवाइज़ करवा दे रही हूँ कि एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है. ओके और आर का यूज़ प्लूरल के साथ करते हैं, यू दे. ओके इसका ही शी इट. ओके अंडरस्टैंड. एंड नेक्स्ट एग्जांपल, माय अंकल इज़ अ विडोवर, हर ब्रदर इज़ मैरिड, My dad is angry. Our dog is sad today. She is a doctor. They are police officer. He is a writer. Okay. My mom is 39 years old. I am a student. So, to be is R M. Okay. लुक केयरफुली एट द फिगर एवब. आपने जो ऊपर फिगर है उसे देखा. एवरी सेंटेंस यूजेस टू बी. एवरी सेंटेंस जो है वो टू बी का यूज़ किया गया है. ओके इसमें टू बी का यूज़ किया गया है. टू बी वर्ब कौन कौन से है, इज एम और आर. ओके द टू बी वर्ब इज एम आर. टू बी वर्ब किसे कहते हैं, इज और एम और आर को. ओके आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म बेसिक सेंटेंस. बेसिक सेंटेंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं नॉर्मली तो उसमें इज आर एम का यूज़ होता है. यहाँ देखिए वर्ब हमारा क्या क्या है, इज आर एम है. ओके हम इसी का यूज़ पढ़ेंगे. यूज्ड विद, एड्रेसिंग स्टाइल सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे. यूज टू इसका कहाँ क्या किस में करेंगे, एम का यूज़ किससे करते हैं, आई के साथ. इसका यूज़ किसके साथ करते हैं, ही शी इट सिंगुलर और नाउन, सिंगुलर नाउन. ओके आर का यूज़ यू और वी दे और प्लूरल के साथ. ओके सिंगुलर और प्लूरल. एंड एड्रेसिंग स्टाइल इसका क्या है, फर्स्ट पर्सन द वन हु टॉक, फर्स्ट पर्सन होगा जैसे आई है ना. और सेकंड पर्सन क्या है, ही वह शी इट. ठीक है आई मतलब हम जो हैं, जो अगर खुद को अगर इंडिकेट करेंगे हम तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ. एंड सेकंड पर्सन अदर वन. ओके एंड नेक्स्ट आपका थर्ड पर्सन क्या है, एनी अदर पर्सन. ठीक है फर्स्ट और सेकंड के अलावा अगर जो है थर्ड पर्सन है वो हमारा यू होगा, आर लगेगा. ओके सिंगुलर आई यू ही सी इट नेम रिलेशन. प्लूरल में वी यू दे, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है. ओके हम जब नॉर्मली सेंटेंस राइट करते हैं तो क्या करते हैं कि इन सब का वर्ब का यूज़ करते हैं तो हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस
बनता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंस टू बी, वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. अफर्मेटिव सेंटेंस में टू बी कब आता है, टू बी वर्ब कब आता है, कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद. ओके, लाइक दिस, आई एम गुड. यहाँ देखिए, आई एम गुड, ही इज गुड, सी इज गुड. तो आपका पहले क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद टू बी है, फिर हमारा एक सेंटेंस क्रिएट हो गया. ओके, वैसे हमारा यहाँ यू के साथ भी है, यू आर गुड, वी आर गुड, दे आर गुड. ओके, एंड अब निगेटिव सेंटेंस देखिए, अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ा, एंड नेक्स्ट एग्जांपल आपका निगेटिव सेंटेंस. ओके, हम नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट इज़ एडेड आफ्टर टू बी, टू बी के बाद क्या होगा, नॉट का ऐड कर देंगे, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया. आई एम, आई और एम आफ्टर, आई एम नॉट गुड. ओके, सेम नेक्स्ट है, ही शी इज नॉट गुड. ओके, यू आर नॉट गुड, वी आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड. सिंपल सेंटेंस में ही हमने नॉट का यूज़ किया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, निगेटिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब हम वही अपना जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस है उसे इंट्रोगेटिव कर देंगे. तो ये कैसे है, टू बी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. टू बी कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा. सॉरी, टू बी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले, इंट्रोगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है. ओके, तो जैसे कि हम यही इज आर एम हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, आफ्टर करते थे. ओके, बट अब बिफोर कर रहा है, सब्जेक्ट के बिफोर पहले आ गया. ओके, एम आई गुड, यहाँ गुड लिखा है. ओके, इसी सेंटेंस से हम मिलाएंगे, इसी वर्ड से हम सारा सेंटेंस बनाएंगे. इज ही गुड, आर यू गुड, आर वी गुड, आर दे गुड. ओके, इंट्रोगेटिव में टू बी सब्जेक्ट के पहले होगा. ओके, टू बी मीन्स अंडरस्टैंड, एम इज आर. ओके, टू बी क्या है, एम इज और आर, ये जहाँ से यहाँ पे आपका दिख रहा है. ओके, एम इज और आर. एंड नेक्स्ट आपका चैप्टर इज फिनिश, चेक पॉइंट है, राइट अफर्मेटिव निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर द सिंपल सेंटेंस गिवन बिलो. यहाँ आपका नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, ताहिरा लव्स टू वॉच क्रिकेट, डज ही गो टू गेम डेली, आई डू नॉट वॉच सीरियल्स, यू लाइक टू सिंग. इन सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है. ओके, टू बी का यूज़ करके, टू बी वर्ब का यूज़ करके. ओके, थैंक यू.